हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मफालेदार मैजिक। तो मैं हूं निकिता त्यागी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं लौकी की रेसिपी। मतलब अगर आपके बच्चे भी लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप एक बार इस तरह से, जैसे मैं आपको बताऊंगी, इस तरह से आप लौकी की सब्जी बनाकर देखिए। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपके बच्चे आपसे मांग मांग कर लौकी की सब्जी बार बार खाना पसंद करेंगे। लौकी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, तो इसे हमें ज़रूर खाना चाहिए और अपने बच्चों की भी डाइट में हमें इसे ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो चलिए आज बना लेते हैं लौकी की सब्जी, जिसे बनाना भी काफ़ी आसान है, खाने में भी टेस्टी लगने वाली है और शरीर के लिए तो फायदेमंद होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो लौकी बनाने के लिए यहाँ मैंने कुछ सामान ले लिया है, जैसे कि मैंने लौकी ली है, ये आधा किलो के करीब लौकी थी। तो मैंने इसे इस तरह से, देखो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है, ना ज़्यादा मोटे पीस हैं इसके ना ही ज़्यादा बारीक है, आप किसी भी तरह से इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने लौकी को कट करने के बाद इसे पानी में ऐड करके रखा हुआ है ताकि लौकी जो है हमारी काली ना पड़े। साथ ही मैंने दो टमाटर लिए हैं और दो ही ली हैं मैंने ये प्याज, इन्हें मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि मैंने इन्हें हाथ से चॉप ना कर, मेरे पास एक चॉपर है ये इस तरह से, तो मैंने इसमें इसे अच्छे से चॉप कर लिया है। ये काफ़ी अच्छे से इसमें चॉपिंग हो जाती है, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर देता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं मोस्टली इसी में सब्जियों को चॉप करती हूँ। तो इस तरह से टमाटर प्याज हमारे बारीक बारीक हमने चॉप कर लिए हैं। साथ ही कुछ मैंने लहसुन की ये कलियाँ ली हैं जिन्हें मैंने बारीक बारीक यहाँ पर कट कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सामान हमारा रेडी है यहाँ पर सभी, तो चलिए हम कर लेते हैं यहाँ पर आगे की तैयारी। तो यहाँ मैंने गैस पर एक कुकर रख दिया है और कुकर जब हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें डाल रही हूँ मैं एक चम्मच भर कर ये ऑयल। तो यहाँ मैं सोयाबीन ऑयल का यूज कर रही हूँ, आप जो भी कुकिंग ऑयल खाना पसंद करते हैं उसे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ऑयल कुकर में ऐड कर दिया है और जब अच्छे से हमारा ये तेल गर्म हो गया है तब मैंने इसमें डाल दिया है आधा चम्मच भर कर जीरा। जीरे को अच्छे से भून लेना है, जब जीरा हमारा अच्छे से चटक जाएगा तब इसमें डाल दूंगी ये मैं लहसुन की कलियाँ जो हमने बारीक बारीक कट करके रखी हुई हैं इस तरह से। तो लहसुन भी मैंने इसमें डाल दिया है, इसे अच्छे से चलाते हुए हम भून लेंगे लगभग आधा मिनट तक। तो इस तरह से हल्का सा हमें लहसुन को पहले भून लेना है, उसके बाद ही हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो लहसुन हमारा हल्का सा भून गया है, मतलब लाइट ब्राउन हो गया है, तो इसमें डाल रही हूँ मैं ये चॉप हुई प्याज हमारी। तो सभी प्याज को मैंने इसमें ऐड कर दिया है इस तरह से अच्छे से पोंछते हुए, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लाइट ब्राउन होने तक हम इसे भी अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। तो लगभग दो मिनट का टाइम इसमें लगने वाला है, लेकिन इसे चलाते रहना है। तो इस तरह से हमारी जो प्याज है वो भुन गई है, लगभग दो मिनट का टाइम लगा था इसमें। और इस तरह से जब हमारी प्याज भुन गई है तब इसमें डाल देंगे हम ये हमारे टमाटर जो हमने बारीक बारीक चॉप कर रखे हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पर टमाटर की प्यूरी भी ले सकते हैं, आप मिक्सी में मतलब टमाटर को डालकर उसका पेस्ट बना लें तब आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा है, आप बारीक बारीक चॉप कर लें या फिर आप इसकी प्यूरी बना लें। तो इस तरह से हमें टमाटर को भी अच्छे से भून लेना है। अब हमने टमाटर डाले हैं तो इसमें हमें कुछ मसाले भी डालने होंगे, जैसे कि इसमें डाल रही हूँ मैं स्वाद अनुसार नमक। नमक से जो है टमाटर अच्छे से गल जाएंगे, बहुत जल्दी गल जाएंगे। तो इस तरह से नमक को डालने के बाद इसे कर देते हैं मिक्स, और नमक डालने के बाद अब इसमें कुछ और मसाले भी ऐड कर देती हूँ, जैसे कि एक बड़ा चम्मच भरकर मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है इस तरह से। साथ ही आधा चम्मच डाल रही हूँ इसमें मैं हल्दी पाउडर, और ये थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी नमक मिर्च खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया है, लगभग आधा चम्मच के करीब। तो मसाले हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि जो लौकी की सब्जी है वो बच्चे भी खाने वाले हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मसाले नहीं देने चाहिए। मोस्टली जो हमारे घर में यूज होते हैं सब्जियों में वही मसाले हमने लिए हैं इसमें, कोई भी एक्स्ट्रा का मसाला नहीं है, बहुत ज़्यादा मसाले वाली हमें सब्जी बनानी भी नहीं है। तो इस तरह से इसमें मसालों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जब तक ये मसाला तेल ना छोड़ दे तब तक इसे हमें भून लेना है। लगभग दो से तीन मिनट का ही टाइम फिर से हमें लगने वाला है। तो इस तरह से इसे चलाते हुए हम भून लेंगे जब तक तेल अलग ना हो जाए। तो मसाला हमारा अच्छे से भून गया है, तो इसमें डाल देते हैं हम अपनी लौकी जो हमने कट करके रखी हुई है इस तरह से। लौकी लौकी डालेंगे सिर्फ, अभी पानी इसमें नहीं डालेंगे, जो पानी है उसे हम इस बर्तन में ऐसे ही छोड़ेंगे, सिर्फ लौकी लौकी ऊपर से उतार कर इसमें डाल देंगे इस तरह से। और अब कर लेंगे इसे अच्छे से मिक्स। तो सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पानी। तो ये देखो
तो मसाले से अच्छे से कवर हो गई है सारी लौकी हमारी। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ऊपर से। तो पानी जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, ये मैंने लिया है यहाँ पर 1 कटोरी पानी। तो सिर्फ 1 कटोरी पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इस तरह से पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद हम मीडियम गैस पर लौकी की सब्जी को ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। लगभग इसमें हमें 4 सीटी आने देनी है। जब तक 4 सीटी नहीं आएंगी तब तक हम इसे ऐसे ही छोड़ेंगे, और जब 4 सीटी आ जाएंगी उसके बाद हम कुकर को खोल कर देखेंगे कि हमारी सब्जी जो है किस तरह की बनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो कुकर में है सीटी आनी स्टार्ट हो गई हैं इस तरह से। तो इसमें और सीटी आने देंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें हम 4 सीटी को हमें आने देना है। 4 सीटी आने के बाद गैस को बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद इसमें जो गैस बनी हुई है उसे अपने आप ऐसे ही निकलने देंगे। उसके बाद हम कुकर को खोल कर देखेंगे कि हमारी सब्जी किस तरह की बनकर तैयार हुई है। तो 4 सीटी हमारे कुकर में आ गई हैं। तो अब कर देते हैं हम गैस को बंद और कुकर को ऐसे ही छोड़ते हैं। लगभग 10 मिनट इसे लगेंगी गैस को अपने आप निकलने में। तो इसे ऐसे ही बंद करके छोड़ते हैं और इसको गैस निकलने का इंतज़ार करते हैं। लगभग 10 मिनट बाद गैस जो है कुकर की अपने आप बाहर निकल गई है, और अब इसे हम खोल कर देख लेते हैं इस तरह से। और ये देखिए आप देख सकते हैं जो हमने पानी डाला था वो बहुत ज़्यादा भी नहीं रहा है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रहा है कि हमारी सब्जी जो है वो तले में जल ही जाए। इस तरह से जो पानी का माप है वो एकदम हमारा करेक्ट रहा है। सब्जी हमारी एकदम बनकर तैयार हो गई है बेहतरीन वाली। मैं आपको इसे चलाकर भी दिखाऊंगी कि किस तरह की हमारी सब्जी यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। ये देखो ना तो कच्ची है ना ही ओवर कुक हुई है, ये बिल्कुल घुट गई हो। हालांकि जो लौकी की सब्जी होती है वो थोड़ी थोड़ी घुटी घुटी अच्छी लगती है। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से चमचे से चलाते हुए थोड़ा मिक्स कर लेंगे। मतलब जो हमारे इस लौकी के पीस हैं वो थोड़े खड़े खड़े से दिख रहे हैं, तो उन्हें इस तरह से हम बारीक बारीक फोड़ लेंगे इस तरह से। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे गर्मा गर्म करेंगे सर्व। तो आप इसे रोटी पराठे या चावलों के साथ में गर्मा गर्म सर्व कीजिए, अपने बच्चों को दीजिए। आपके बच्चे हर बार मांगकर इसी तरह की सब्जी को खाना पसंद करेंगे। लौकी जो है वो सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। बच्चों को ज़रूर हरी सब्जियाँ खिलानी चाहिए, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो खुद ही हरी सब्जियों से बचते हैं, बाहर की जो चीज़ें हैं उन्हें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो बाहर की जो चीज़ें होती हैं उन्हें थोड़ा अवॉइड कीजिए, और जो घर की सब्जियाँ होती हैं हरी सब्जियाँ हैं दाल हैं उन बच्चों की डाइट में शुरू कीजिए। और इन चीज़ों को खाने से आपके बच्चे हेल्थी रहेंगे और बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं इसे एक बाउल में इस तरह से। आप चाहें तो इसके ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डाल सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल हरा धनिया इसमें नहीं डाला है। और इस तरह से हमारी सब्जी एकदम बनकर यहाँ पर तैयार हो गई है। तो मैं तो इन्हें यहाँ पर पराठों के साथ में गर्मा गर्म सर्व करने वाली हूँ इस तरह से। आप लौकी की सब्जी किसके साथ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।